दोस्तों क्या पापा तुम बोलते रहो। दोस्तों क्या पापा आज मल्ले बाटल बना पाएंगे? सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मेरी प्यारी नवासी और मेरी प्यारी बुल्ली और मेरा प्यारा कप्तान। दोस्तों शादी के बाद ना मैं फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए दाल भात बनाने जा रहा हूँ, वो भी पीली दाल तड़के के साथ। खाओगे? हाँ। दाल भात कौन खाएगा? हंसेगा कौन? दोस्तों हमारे पास है चने की पीली दाल और ये है मूंग दाल और ये है सफेद चावल और इन चीजों का मैं यूज करूंगा प्याज टमाटर मिर्ची और धनिया और ये है मेरी मुनिया। चने की दाल में ना मैं थोड़ी सी मिला रहा हूँ ये मूंग दाल। ये मूंग है या अरड़ है पता नहीं, मूंग होगी। थोड़ी सी मिला रहा हूँ, इतनी हो जाएगी? हाँ। कैप्टन भी हमारी बातें सुन रहा है। कम देवांशी, पहले हम दाल को धो दे। बनानी आती है आपको? बनानी आती है क्या आपको? आपको बनानी आती है ना पापा? अभी हम इस दाल को ना प्रेशर कुकर में डालते हैं। सभी काम ना देवांशी को ही करना है। देखो नहीं 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 नहीं, चलो हो गया हो गया। दोस्तों मैं लाल टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज डाल रहा हूँ। वैसे प्याज की जरूरत नहीं है लेकिन मैं डाल रहा हूँ। भाई मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे, पता नहीं कब तक बनेगा। बकरी है क्या? अरे यार देवांशी, प्रेशर कुकर में मैंने सारी दाल रख दी है। हाँ। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। डाल दो। प्याज भी डाल देते हैं, मिर्ची भी डाल देते हैं, थोड़ी सी है। अब मैं डाल रहा हूँ धनिया मसाला, ठीक है? रुको रुको, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा और, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं। और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और हल्दी, हल्दी बहुत जरूरी है। मैंने दाल में सारे मसाले डाल दिए हैं, अब उसके ऊपर डालता हूँ पानी, तभी तो उबलेगी। ठीक है ना इतनी? मुझे लगता है नमक थोड़ा कम हो गया, तो और डालते हैं। दोस्तों गैस जलाना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद हम प्रेशर कुकर में लगाएंगे 3 सीटी, तभी गलेगी दाल। काहे रो रही हो? क्या चाहिए? मजाक ही कर ले तू। इसको ना जुखाम सी हो रखी है आज, इसीलिए स्कूल नहीं भेजा है। हाँ। यार यार मुझे ना मोबाइल देना पड़ रहा है देवांशी को, वरना वो रो रही है और मैं कैसे मतलब सारे काम एक साथ करूंगा। फिर ये दाल ना गल चुकी है, मैंने चेक किया था। ये देखो बन गई दाल। दोस्तों हमारी दाल गल चुकी है, अब हम लगाएंगे तड़का और ये रहा लहसुन। दिखाओ लहसुन। हाँ। देवांशी बोलो लहसुन। ये घी है, घी।
दोस्तों गांव से घी आ रखा था तो मैं उसी में तड़का लगा रहा हूँ। मेरे पास बहुत ही स्पेशल चीज है, वो है वाइल्ड मस्टर्ड और डॉग मस्टर्ड। इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं जखिया। जखिया का तड़का ना किसी भी सब्जी को और दाल को नेक्स्ट लेवल ले जाता है, बहुत ही टेस्टी बना देता है। तो आप लोग भी ऑनलाइन सर्च करना जखिया और खरीदना, आपकी सब्जी और दाल मतलब झकास बनने वाली है। तो शुरू करते हैं तड़का। तो ये लहसुन डाला मैंने, ये जीरा डाला, जीरा, ये जखिया होता है जखिया, ये जो दाल है ना दोस्तों, दाल मैं इस दाल को डाल दूंगा इसके ऊपर। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन जब तड़का लगा रहा था ना मैं, मुझे लगा जल गया, इसलिए मैंने पहली डाल दी दाल। यार ये छोटी हो गई, ढक देते हैं। देवांशी बर्तन कौन धोएगा? पापा। हर बार तो मैं होता है, लेकिन बर्तन धोने की बारी आई तो पापा। दोस्तों अभी मैंने सिर्फ दाल बनाई है और किचन में बर्तन को देख के लग रहा है कि जैसे 10-20 लोग आ रहे हो खाने के लिए। कहाँ से बर्तन आते हैं ये, कहाँ से आ जाते हैं ये बर्तन, कैसे करूंगा मैं साफ। शुरुआत करते हैं चम्मच से। बन गई दाल। देख रहा हूं। अरे यार एक सेकंड, बन रही है। पापा चावल कब बनेंगे? चावल? हाँ। कौन खाएगा चावल? देवांशी अभी कुछ मत करना, अभी कुछ मत करना। दोस्तों पापा भी चावल बना रहे हैं। किचन की हालत कैसे कर ली पापा आपने? टूटा पानी, टूटा बोल दिया। मम्मी के इतनी लाइट आ गई। क्या हुआ? दोस्तों मेरे पापा ने किचन की हालत क्या कर दी। नहीं यार इसमें ना मैं चावल में ना घी भी डाल रहा हूँ दोस्तों, फिर ये ना अच्छा बनता है। ये देखो क्या कर रहा है तू कैप्टन। क्या हो रहा है यार, बिना बात के क्यों रो रहे हो? अभी मैं धनिया के पत्ते अलग कर रहा हूँ, इतना सारा धनिया है ना, लेकिन उसमें से मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि धनिया कहाँ है। इतना सारा धनिया और मैंने इतना निकाला है अभी तक। अरे यार ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है? चावल बन रहे हैं, चावल, चावल बन रहे हैं। रुदु सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। दौड़ के नहीं बुलाना कैप्टन को, ठीक है ना? चलो ऐसे खेलो, चलो। हो किरिम पौड़ी रा घसन की लैच है, किरिम पौड़ी रा घसन की लैच है, भाई निर्मला घसन की लैच है। मैंने धनिया काटा भी नहीं है, छोड़ो। अभी दोनों की दोनों थाली लेकर के आओ, खाना तैयार है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? रुदु मैंने तुमको बोला था ना उसकी थाली उसको दे दे, तुमने क्यों नहीं दी? पापा थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। देवांशी को बहुत अच्छी लग रही है देख करके, और मुझे भी। चावल तो वाइट है, मेरे चमचा रेड है। मैं नन 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 काटा दे, काटा दे, काटा दे, काटा दे। देवांशी
देवांशी बहुत खुश हो गई चावल के लिए। पापा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहाँ से? दाल से। दाल से? हाँ। कैप्टन तुम्हें भी मिलेगा। देवांशी भी दाल खा रही है। बोलो तो देकर। थैंक यू। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू। अरे क्या बात है यार, देवांशी बोल रही है मस्त हो रहा है। कैप्टन ईट। पापा दाल। दाल अब मैं खाता हूँ जरा अपना बनाया हुआ, देखते हैं। पापा दाल। वाओ। तीसरी बार देवांशी दाल मांग रही है। अच्छा इसमें खा ले, खा ले। प्यारी बुल्ली। बोलो तो जगा। बच्चों के हिसाब से ना बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। पापा दाल। दाल? चुपचाप से हाथ धो के आओ, जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने पेट भर के खाया है, कैप्टन ने पेट भर के खाया है और मैंने भी। तो अब बहुत सारा काम है मेरे लिए, किचन साफ करना है। देवांशी हाथ धो के आओ, पेट भर गया है भाई, हाथ धो के आ जाओ। मुझे ये सभी चीजें साफ करनी है भाई, सभी चीजें। खाना खाने के बाद बर्तन तो धोने पड़ेंगे ना। कौन धोएगा? मैं, पापा। देखो समझदार है वो। लेकिन मैं नहीं बोलेगी वो कुछ भी, पापा को धोने पड़ेंगे। ये देखो इसको तो गोद में बैठना होता है पहले नंबर की सीट पे, है ना। ए भगवान, मैंने एक बार ना ये बर्तन को मतलब घिस दिया है, अब कैमरा बंद करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ा काम हो चुका है, मैंने बर्तन धो दिए दोस्तों, और ये खाना बचा हुआ था तो यहीं पर रहेगा ना। राशि आ चुकी है, चलो। क्या बनाया था आपने आज? आज मैंने बनाया था दाल भात, तुम भी खाओ। मुझे भी खिला दो थोड़ा। हाँ खाओ, और थोड़ा बहुत अगर कमरे में इधर उधर धूल मिट्टी होगी तो साफ कर देना भाई। हाँ, जब आप किचन में काम करते हो ना तो मुझे कोई चीज नहीं मिलती। क्या चाहिए? अब मुझे घी का डब्बा नहीं मिल रहा। यहाँ देखो इसमें, ये क्या है? देख वो भी नहीं लगा रखा ढक्कन, ढक्कन भी नहीं लगा रखा सही से, गिर जाते तो। चल ढक्कन उठा ले यहाँ। तमीज से रहो, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने ना लोहे की कढ़ाई में जो दाल बना रखी है, देखने में तो बड़ी यम्मी लग रही है, देखते हैं खाने में कैसी होती है। मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट डाले हैं। खाओ। जितने इंग्रेडिएंट डाले हैं उतना टेस्टी भी होगा तो अच्छी बात है। अच्छा है लेकिन मसाले कम है। मैंने दोबारा से डाल दिए अपने लिए। मैं
दोस्तों दाल ना बहुत अच्छी बन रखी है और इन्होंने ना थोड़ा नमक मिर्च कम डाला था देवान से रुद्रांश की वजह से, अपनी वजह से भी, और मैंने ना थोड़ा सा और डाल दिया अपने लिए क्योंकि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। ओवरऑल कैसी बनी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है ना? बोले तो जगा दोस्तों आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय, लव यू, लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। लाइक करेंगे? हाँ। कैसे करते हैं लाइक? दाल किसने बनाई? पापा। दे दाल कैसे हो रही थी? अच्छी। आपने कितनी बार खाई? दो। दो नहीं चार। दो। चार। दो। चार। और देखेंगे।